अमरोहा जनपद के विकास खंड जोया में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूरन सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्राओं ने सरस्वती माता की वंदना प्रस्तुत की गई। प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह में शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, विद्यालय में बनाई हुई प्रदर्शनी आयोजित की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करते हुए जनपद भर के विद्यालयों में शिक्षा के प्रति अच्छा कार्य किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा रही है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमारी ने जोया और गंगेश्वरी ब्लॉक पर बड़ी मेहनत और लगन के साथ कार्य किया है। इनकी मेहनत और लगन से विद्यालयों में व्यवस्था को अच्छी तरह से अंजाम दिया गया है, जिससे स्कूल में साफ सफाई और स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था को बनाने के लिए अमरीश कुमारी अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, और जो भी अध्यापक हमारे यहाँ उपस्थित हुए जिनके द्वारा ये प्रोग्राम सजाया गया, उन सभी का धन्यवाद स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आज जो ये प्रोग्राम किया गया, ये एक प्रेरक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान हमारे जो बच्चे घरों में रहने लगे, उनको हमने और अन्य ऐप के द्वारा दूरदर्शन के द्वारा पढ़ाया गया, लेकिन फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं हम उनमें कम्युनिकेशन गैप रहा। उस गैप को दूर करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। साथ ही जिस तरीके का यहाँ प्रोग्राम रहेगा, यही हम अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को मोटिवेट करेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक मोटिवेशन होना जरूरी है, और मोटिवेशन अभी प्रेरणा, यदि प्रेरणा का एक अर्थ बनाया प्रेरक, जब तक बच्चा कोई प्रेरक नहीं होगा या अध्यापक या अधिकारी प्रेरक नहीं होगा, तब तक कोई भी काम कर पाना मुश्किल है। और प्रेरक के लिए एक स्टिमुलस होना जरूरी है, तो हमें अध्यापक को एक बच्चे के सामने एक स्टिमुलस के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जैसे हम व्यवहार करेंगे, ऐसा ही हमारा बच्चा प्रेरित होगा। इस विद्यालय में जाकर अध्यापक को सबसे पहले एक आकर्षक माहौल बनाना है, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा, ताकि उन्हें यह फील ना हो कि हम अपने घर से स्कूल आ रहे हैं। बच्चा जब ही स्कूल में आएगा, जब उनके घर के माहौल से अच्छा माहौल हम अपने विद्यालय में बच्चे को देंगे। तो सभी अध्यापकों से मेरी यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि स्कूल में एक माहौल बनाए, जो दूरी एक बनी हुई थी बच्चे में, अभिभावक में और हम में और आप में, वो खत्म हो जाए। वैसे बच्चा अभी अपने अध्यापक से जुड़ा रहा, प्रेरणा ऐप के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ऑनलाइन हमने जो क्लास चलाई उसके माध्यम से जुड़ा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली कम्युनिकेशन गैप रहा। हम कहीं ना कहीं उनसे जो है सामाजिक रूप से नहीं जुड़े, एक दूरदर्शन के रूप से या प्रेरणा ऐप के माध्यम से जुड़े। अब बच्चे को हमें एक भौतिक रूप से जुड़ना है, और जब बच्चा जब जुड़े तो अभिभावकों से ये भी मैं कहना चाहूँगी, हर बच्चे को एक बाई नेम बोला जाए, उन्हें धन्यवाद करा जाए, उनसे पूछा जाए कि घर में आपने क्या क्या एक साल भर रहे, स्कूल अच्छा लग रहा है, घर अच्छा रहा, मम्मी का व्यवहार अच्छा रहा है, अध्यापक का अच्छा है। इस तरीके से आप उनको सामाजिक रूप से जुड़ने की कोशिश करें। यहाँ पर हम प्रेरणा ज्ञानोत्सव प्रोग्राम कर रहे हैं,
बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए टीएलएम की प्रदर्शनी लगाई है, इसी के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है चक्का, इसमें जो है बच्चों को रंगों की पहचान कराने के लिए आसानी से बच्चा नाम भी पहचान सके और सही रंगों की पहचान सके। इस तरीके से और भी बहुत टीएलएम है उनके द्वारा हमारा मिशन प्रेरणा को हासिल करने की कोशिश करें। गैप हो गया था शिक्षा का, तो उसके लिए सरकार ने 100 दिन की व्यवस्था करी है, तो उसमें हमारे जो शिक्षक हैं ये बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे जो दूरी पड़ गई थी। ये आज का कार्यक्रम है।